ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान वाहिनी अध्याय 10 प्रबोध 10। ध्यान में सहायक निष्कपटता निर्मलता विनम्रता। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति किए हुए लोग घने अंधकार में नाविकों के लिए सागर में पथ प्रदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान हैं। आध्यात्मिक सत्य के अंधकार में डूबे हुए तथा पथ भ्रष्ट लोगों का प्रकाश स्तंभ की तरह पथ प्रदर्शन करते हैं। सभी जीवों का उद्भव भगवान से ही होता है। जैसे एक बड़े सरोवर में नाना प्रकार की मछलियां और अनेक प्रकार के जल जंतु इधर उधर घूमते फिरते हैं, उसी प्रकार ये समस्त मानव सृष्टि परमात्मा रूपी सागर में इधर उधर घूमती फिरती है। ये दृश्य अत्यंत भयंकर है। कुछ अविकसित कुछ अर्धविकसित जीव अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। इस अज्ञानी मानव संघ में कुछ इने गिने सम्यक रूप से परिपक्व विकसित जीवन मुक्त ज्ञानी और योगी भी रहते हैं। ऐसे लोग चूंकि अज्ञानियों के समूह में मिले हुए हैं, इसलिए कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है ये जानना बहुत कठिन है। रक्त में विद्यमान लाल जीवाणुओं को देखने के लिए खुर्दबीन की याने माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त लोगों को देखने के लिए ध्यान रूपी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। इस सृष्टि की विशेषताएं और चमत्कार अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, किंतु आजकल की सामाजिक स्थिति से ये ज्ञात होता है कि प्रकाश दिखाने वाले बहुत कम हैं। इसलिए बेकार लोगों का आश्रय लेकर इधर उधर भटकने के बदले परमात्मा के प्रति संपूर्ण विश्वास निश्चल प्रेम रखकर माता पिता गुरु पथ प्रदर्शक अपना सर्वस्व भगवान में ही देखते हुए भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जिससे पथ भ्रष्ट होने की संभावना ही न रहे। भगवान कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाते। ऐसी पवित्र भावना में दृढ़ता और अनुभव पैदा करने के लिए एकमात्र रास्ता ध्यान का है। प्रेम और विश्वास के साथ इष्ट देव का नाम स्मरण और स्वरूप ध्यान करना पर्याप्त है। जो नाम व स्वरूप तुमको रुचिकर लगे उसी का जप व ध्यान करो। आध्यात्मिक अनुशासन के लिए तुम्हें सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। सदैव प्रसन्नता प्रकट करने वाली मंदहास याने मुस्कान चेहरे पर रहनी चाहिए। यही मानव के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। सभी लोग तब तुमसे प्रेम करने लगेंगे।
तब परमात्मा भी तुमसे प्रसन्न होगा। निर्मल स्वभाव से नम्रतापूर्वक छलहीन होकर ध्यान साधना करो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कभी भी उत्तेजित न हो, कैसी भी परिस्थिति हो, संतुलन न खो, हिम्मत कभी न हारो। दूसरों का सदैव सत्कार करो, उनकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। इस प्रकार चलने से तुम्हारे हृदय में सर्वजन समान प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, चित्त में परिष्कार होकर प्रसाद भाव उत्पन्न होगा। परिणाम होगा कि ध्यान साधना में बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। बिना औषधि प्रयोग किए रोग को दूर करने का एकमात्र उपाय ध्यान साधना है। इससे रोग के निदान यानी पहचान की शक्ति बढ़ती है। इसी की शक्ति से कैसा भी कठिन रोग क्यों न हो, वो दूर किया जा सकता है। मानव के प्रत्येक वाक्य से दो अर्थ प्रकट होते हैं, अभिवार्थ और लक्षणार्थ यानी लक्षणावृत्ति। उपनिषदों में लक्षणावृत्ति का महत्व है। वेद स्वरूप का अर्थ वेदों का आकार नहीं, लक्षणावृत्ति है। यही परब्रह्म परमात्मा को बतलाती है। अत्यंत सावधानी से याद रखने की बात है कि वाक शक्ति का प्रयोग अत्यंत मृदु मधुर वाणी में करना चाहिए। परमात्मा का सब में दर्शन करने के लिए वाणी की मधुरता बड़ी सहायता करती है। श्रीमान, महोदय, महाशय, स्वामी आदि शब्दों का प्रयोग करने से उस व्यक्ति का तुम्हारे प्रति विश्वास और प्रेम पैदा होता है। उसके हृदय में आनंद और उल्लास भर जाता है। तुम्हें स्वयं ही कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे आनंद के साथ जब ध्यान करोगे तो एकाग्रता अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि तुम दूसरों की निंदा करोगे तो दूसरे भी तुम्हारी निंदा करेंगे और तब तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। मानसिक अशांति के कारण तुम ध्यान भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में आनंद प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दूसरों से आनंददायक वार्तालाप किया जाए या आनंददायक विचारों का मनन और चिंतन किया जाए। मृदु मधुर वार्तालाप भी ध्यान साधकों की बहुत कुछ सहायता कर सकता है। मानव को ऐसे स्वभाव वाला होने के लिए प्रयास करना चाहिए। मानव शरीर त्यागने पर भी उसका स्वभाव इस जगत में जीवित रहता है। मानव का अच्छा वर्ताव ही उसकी कीर्ति और बल प्रदान करता है। उसके सद्गुण ही उसकी शक्ति हैं। अपनी सारी शक्ति और सद्गुण भगवत साक्षात्कार पाने के लिए ही लगाओ। इसके लिए अथक परिश्रम करो। अपनी लक्ष्य प्राप्ति में दृढ़ता से तत्पर रहो, चाहे लाभ हो या हानि या कैसी भी स्थिति क्यों न हो, सदैव संतुष्ट रहो, तृप्ति के साथ रहो। ये अत्यंत आवश्यक है। तृप्तिपूर्ण जीवन का प्रत्येक दिन एक त्योहार है। चिंतित मन, कामना पूर्ण मन में चंचलता रहती है, एकाग्रता नहीं प्राप्त होती है। कामनाएं शरीर में अग्नि ज्वाला के समान हैं, वो क्रमशः मनुष्य को जलाकर भस्म कर देती है। तृप्ति कामनाओं के लिए महान औषधि है। असह्य गर्मी में यात्री जब पसीने से लथपथ हो रहा हो, उस समय यदि शीतल जल वाली नदी के निकट पहुंचकर स्नान कर रहा हो तो उसे जो सुख और आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार लोभ तथा कामना रूपी अग्नि से पीड़ित व्यक्ति को तृप्ति रूपी सरोवर में स्नान करने से अत्यंत सुख मिलता है। केवल मोक्ष मार्ग के लिए ही व्यक्ति को ललायित रहना चाहिए। क्षुद्र सांसारिक सुख के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करना मूर्खता है। अपना सर्वस्व सर्वेश्वर को अर्पण कर देना चाहिए, तभी अत्यंत तृप्ति प्राप्त होती है। इसको प्राप्त करने के लिए शांति, संतोष और विवेचन की आवश्यकता होती है। कम से कम इन तीन में से एक की प्राप्ति तो होनी ही चाहिए, तभी भगवत साक्षात्कार भी प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले संतोष को अपने स्ववश करोगे तो बाकी दो अपने आप तुम्हारे वश में आ जाएंगे। तृप्ति के सिवाय और कोई चीज मानव को इतना लाभप्रद नहीं हो सकती। इस तृप्ति को त्रैलोक्य की संपत्ति से भी अधिक निधि कह सकते हैं।
ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति अनमोल भगवत विभूतियों में निमग्न रहता है। कामधेनुओं और कल्प वृक्षों से भी अधिक आनंददायक भंडार उसके पास है। इस महान आनंद में निमग्न होकर वो परम सुख को प्राप्त कर सकता है। ऐसे शाश्वत आनंद को छोड़कर केवल दैहिक आनंद के लिए तरसना निरी मूर्खता है। इस नश्वर शरीर के प्रति अधिक मोह मत रखो। इस शरीर को एक उपकरण के रूप में, साधन के रूप में उपयोग करो। पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर अंततोगत्वा नष्ट होने वाला है। इससे तुम भिन्न हो, अलग हो। इस बात को भली भांति समझ लो। तुम सदैव अविनाशी आत्मा स्वरूप हो। इस भावना से तुमको सदैव ओतप्रोत रहना चाहिए। जिस प्रकार तुम्हारे निवास करने वाला गृह तुमसे भिन्न है, उसी प्रकार अज्ञानतावश कुछ काल तक शरीर धारण करने वाले तुम अपने शरीर से अलग हो। समस्त दुख, कष्ट, आपद, विपद तथा दासता का मूलभूत कारण ये शरीर ही है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। किंतु इस शरीर को तुम्हारी इच्छानुसार चलना चाहिए। इसको त्यागने के लिए सदैव तैयार रहो। इसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए कटिबद्ध रहो। इस शरीर को तुम्हें सावधानी के साथ प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षित करना है। इसके साथ सावधानी से व्यवहार करना है। ये समस्त बातें यद्यपि आध्यात्मिक साधना के अंग हैं, किंतु उनमें से कुछ का पालन भौतिक दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है। इस प्रकार से शरीर को उपकरण रूप में प्रयोग करने से ये शरीर जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूप हो जाता है। जब तक हम पार नहीं पहुंचते, अर्थात दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच जाते, परमार्थता तक नहीं पहुंचते, तब तक ये आवश्यक है कि ये शरीर रूपी नाव कमजोर ना होने पावे। इस नाव को चोट नहीं लगने देना चाहिए। इसमें छेद नहीं होने दो। शरीर के अवयव रूपी नाव के सब भाग ठीक रहें, इसके लिए सजग रहना चाहिए, अर्थात उचित समय पर बलवर्धक सात्विक मिताहार ग्रहण करना और उचित व्यायाम करना कभी नहीं त्यागना चाहिए। यही प्रयास आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुशासन के रूप में वास्तविक साधना में उपयोगी होता है। ये साधना ध्यान, स्मरण, पूजन और भजन है। ऐसी साधना के अभ्यास के समय और उसके उपरांत भी प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए। ये सदैव स्मरण रखना चाहिए। थकावट, निरुत्साह तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। यदि थकावट आती है तो रात्रि में साधना के पश्चात भीगे चने, बादाम और किशमिश खाना चाहिए। ये शरीर को शीतलता व बल प्रदान करता है। इस प्रकार हर साधक को ध्यान साधना के साथ तृप्ति नामक सद्गुण की वृद्धि करनी चाहिए। तृप्ति सात्विक गुण है, वो आलसीपन नहीं है। ये मन को भगवान के प्रति झुकाती है और शांति देती है। अनावश्यक स्वार्थपूर्ण कार्यों को कभी प्रोत्साहन नहीं देती। संतुष्ट साधक पूर्णतया सत्वगुणी हो जाता है। हृदय के अंदर स्थित आत्मा से उसका मिलन हो जाता है। कितना भी थकावट देने वाला कोई कार्य क्यों न हो, वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे कर सकता है। अनेक प्रकार से विविध दिशाओं में दौड़ने वाला मन और उसके विचार ईश्वर के प्रति केंद्रीभूत हो जाते हैं। पूर्व काल के ऋषि, भिक्षुक और योगीगण ऐसी संतृप्ति से ही निश्चय होकर साधनाएं करके समर्थता प्राप्त करते थे। संतृप्ति ही साधकों को साक्षात्कार मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करती है, शक्ति प्रदान करती है। इस पथ की कठिनाइयों का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। ऐसे सत्वगुण संपत्ति से साधक इस संसार की समस्त अशाश्वत वस्तुओं को विष समान देखता है और तिनके के समान उनको त्याग देता है। तृप्ति व संतोष से विवेक, वैराग्य, विवेचना शक्ति उत्तरोत्तर प्रबल होती जाती है। ऐसा अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया, मीरा, राधा, जयदेव, गौरांग आदि की जीवनियों का सम्यक रूप से अध्ययन करो। इनसे तुमको परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। Thank you.
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साई प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पावन दिवस को मनाया जाता है। गोकुलाष्टमी के दिन कितना अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। Thank you.
भक्तजन सारी तैयारियां जोर शोर से करते हुए नंदलाला के दिव्य आगमन की संप्रेम प्रतीक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य लीला है। ये तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार श्री वसुदेव और माता देवी के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने दुष्ट असुरों जैसे कंस, पूतना, बकासुर इत्यादि का वध करने के लिए नटखट बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के रूप में जन्म लिया और अपने माता पिता के साथ साथ सारे संसार में अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से उत्साह, भक्ति और श्रद्धा का बीजारोपण किया। अपनी इन्हीं अनुपम लीलाओं के कारण भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपार और अनंत है। मान्यता है कि नौ रसों में दसवां वात्सल्य रस भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच स्नेह के कारण जुड़ गया। आज हम नटखट कान्हा की ऐसी ही एक मधुर लीला के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सभी दही हांडी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दही हांडी भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी लीला ही तो है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार नंद किशोर कन्हैया अपने साथियों के साथ दही से भरे हुए मटके से दही चुराने जाते थे। चूंकि माता यशोदा और ब्रिज की सभी गोपियां दही हांडी को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर रस्सी से लटका के रखती थीं, तो यही कारण था कि नटखट नंदलाल अपने सारे मित्रों की सहायता से उनके ऊपर चढ़कर मटकी को फोड़कर उसमें से दही या मक्खन चुरा के जाते थे और अपने साथियों के साथ मिल बांटकर खाते थे। प्रभु की इसी लीला के चित्रण हेतु कालांतर में दही हांडी त्योहार संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा। इस त्योहार को गोपाल काला नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 20-30 फीट की ऊंचाई पर बंधी दही अथवा मक्खन से भरी मटकी को तोड़ने के लिए एक पिरामिड बनाते हुए एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ते हुए इस मटकी को तोड़ने की कोशिश करते हैं और यदि मटकी टूट जाती है तो सभी खुशी मनाते हुए कान्हा की याद में झूम उठते हैं। इस कार्यक्रम को मटकी फोड़ कार्यक्रम के नाम से भी मनाया जाता है। स्वामी के विद्यालय और महाविद्यालय में भी इस दही हांडी कार्यक्रम को सभी विद्यार्थी बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि दही हांडी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है और इस कारण इस लीला का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ जब दही या मक्खन से भरी मटकी तोड़ने जाते थे तो उनके साथी इस लीला में नीचे झुककर कन्हैया के लिए एक सीढ़ी का काम करते थे जिससे कन्हैया को रस्सी से बंधी हुई मटकी तक पहुँचने में आसानी हो।
इसका एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। वो ये है कि जब हमें अनेक जन्मों के पश्चात भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है या हम उनके निकट होते हैं, तो हमें उस क्षण अपने अहम को झुकाकर भगवान को अपने हृदय में बसाकर उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके इस विशाल नाट्यशाला की लीला में उनके समक्ष तन मन और धन से पूर्ण शरणागत होकर उनके कलिमल हारी पावन चरणों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु स्वयं ही उस दिव्य अलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी उस पवित्र हांडी को तोड़कर उसमें से अक्षय अविनाशी और मोक्षदायक अनंत अमृतोल्य प्रसाद को हम सभी में वितरित कर देंगे। स्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की इस दही हांडी लीला के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कुछ इस प्रकार बताया। एक बार माता यशोदा ने बाल कृष्ण से पूछा कि तुम गोपियों के घर उनका दही या मक्खन चुराने क्यों जाते हो, जबकि स्वयं हमारे अपने घर में इतना सारा दही होता है। तो बाल कृष्ण ने उत्तर दिया, माँ, मैं उनके घर दही या मक्खन चुराने नहीं जाता, मैं तो वहाँ उनका दिल चुराने जाता हूँ। उनका निर्मल हृदय भक्ति से सराबोर है और इसीलिए उनका मक्खन उस प्रेम और भक्ति से भरा होता है जिससे वह छाछ बनाती हैं। उनकी चूड़ियों की खनखन मेरा नाम लेते हुए समय का हिसाब रखती हैं और इसीलिए उस भक्ति और प्रेम से जो मक्खन निकलता है वही वेद है। इसी प्रकार भगवान बाबा ने 6 सितंबर सन 2004 को हमें श्री कृष्ण के इस दिव्य लीला के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ स्वाद के लिए दूसरों के घर से मक्खन नहीं चुराया, बल्कि इसमें एक संदेश अंतर्निहित है। यहाँ मक्खन शुद्ध हृदय का प्रतीक है। जहाँ शुद्ध हृदय होता है कृष्ण वही जाते हैं। ऐसा शुद्ध हृदय कोमल और मधुर होता है। गोपियों के हृदय भक्ति से परिपूर्ण थे, वे शुद्ध कोमल और अमृततुल्य थे, इसलिए कृष्ण उनके घर मक्खन चुराने जाते थे। तो आइए हम सब दही हांडी के सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समझकर भगवान बाबा द्वारा बताए गए इस पर्व के आंतरिक महत्व का अपने जीवन में अभ्यास करें और सब भक्ति एवं पूरी श्रद्धा के साथ इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं। मटकी फोड़ आदि के आयोजनों में यथासंभव हिस्सा लें, नहीं तो कम से कम लोगों का हौसला ही बढ़ाएं और कृष्ण भक्ति में डूब जाएं। गोविंदा गोविंदा। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258। 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है, सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है, मित्रों अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है।
स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।